मेवात में फिर दिखा तेज रफ्तार का कहर। सिंगार और पुनाना के बीच में बने एसडीवीएन पब्लिक स्कूल के सामने एक गाड़ी अचानक पलट गई। गाड़ी पलटने के कारण बिजली का खंभा टूट गया और गाड़ी में जो ड्राइवर मौजूद था उसके गंभीर चोट आई है, जिसे आनन फानन में पुनाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। वहीं गाड़ी ड्राइवर का कहना है कि एक सामने से ट्रेलर झूलता हुआ आ रहा था, बस इसी को बचाने के लिए मैंने अपनी साइड दबाई, जिसके बाद गाड़ी सड़क से उतर गई और पलट गई है। खैर, ये कोई पहला मामला नहीं है, ऐसे न जाने कितने ही हादसे मेवात इलाके में होते हैं, जिनमें न जाने कितने ही लोग की जान चली जाती है, तो न जाने कितने ही लोग ऐसे होते हैं जो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। ऐसे में भारत टीवी की टीम आप लोगों से अपील करती है कि हमेशा सावधानी पूर्वक वाहन चलाएं, जिससे किसी बड़ी अनहोनी से आप बच सके। साजिद खान है। कैसे ये भाई साहब, सामने ट्रेलर आया था, सामने ट्रेलर ने साइड दबा दिया, साइड दबाने पे साइड गाड़ी का आना अपने आप बचाने के चक्कर में गाड़ी का चमक गया, गाड़ी नीचे गिर गई। क्या माल भरा पड़ा? प्लास्टिक के दाना। किस वक्त की बात? ये 2 घंटे पहले की बात है। किधर साइड से आ रही थी आपकी गाड़ी? पुनाना तरफ से आ रही थी। ट्रेलर होटल तरफ से, होटल की तरफ से आ रही। आपके सामने और कोई भी यातायात साधन था जो आपने? नहीं, ट्रेलर ही सामने से, ट्रेलर पूरा ग्राउंड साइड दबा के आ रहा था पूरा। गाड़ी में माल क्या भरा पड़ा? प्लास्टिक का दाना। किसी की चोट? सर में चोट आई ड्राइवर का। ड्राइवर कहाँ है? ड्राइवर हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में? किसी और को ज्यादा तो नहीं? ज्यादा नहीं, चोट आई। मेवात का सबसे मशहूर दवाखाना, जिस पर होता है हर बीमारी का इलाज देसी जड़ी बूटियों से। मलखान दवाखाना पर होता है गंभीर बीमारियों के इलाज चुटकियों में। अगर आप भी हैं कैंसर, एड्स, नामर्दी, लाल पानी वे सफेद पानी, पथरी और जोड़ों के दर्द से परेशान, तो देसी जड़ी बूटियों से होगा समाधान। मलखान।